नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। आज हम कुकर में शकरकंदी को उबालेंगे बिना पानी के। शकरकंदी को पकाने के लिए ना तो हम नमक का यूज करेंगे और ना ही रेत का। फिर भी जब शकरकंदी को खाएंगे तो इसका टेस्ट ऐसा लगेगा कि जैसे शकरकंदी को चूल्हे या फिर अंगीठी में भुना हो। हमने आधा किलो शकरकंदी ली है, यानी कि ये हाफ के जी है। मैंने शकरकंदी को दो बार पहले भी धोया है, लेकिन एक बार इसको फिर से धो लेते हैं ताकि ये और भी अच्छे से साफ हो जाए। शकरकंदी को इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं। शकरकंदी खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, ये हमारी बॉडी के लिए उतनी फ़ायदेमंद है, क्योंकि शकरकंदी में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। शकरकंदी खाने से हमारा डाइजेशन भी ठीक रहता है और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होने की वजह से इसको यदि हम लगातार अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हमारी बॉडी में खून की कमी भी नहीं रहेगी और ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगी। तो सर्दियों में शकरकंदी सभी को ज़रूर खानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको यदि ये शकरकंदी पकाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शकरकंदी को अच्छे से धो लिया, इसके ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। अब इसको साइड में रख देंगे और अब लेंगे कुकर। मैंने स्टील का बड़े वाला 5 लीटर का कुकर लिया है। आप जितनी शकरकंदी पकाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से छोटा बड़ा कुकर ले सकते हैं। और यदि आपके पास छोटा कुकर है और आप ज़्यादा शकरकंदी पकाना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से आराम से शकरकंदी ज़्यादा भी पका सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप मक्खन या तेल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं लेना है क्योंकि सरसों के तेल में हल्की सी स्मेल आती है। घी को कुकर में चारों तरफ फैला देंगे। शकरकंदी को कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि शकरकंदी को कच्चा खाएंगे तो पेट खराब हो सकता है, इसलिए शकरकंदी को भूनकर या फिर उबाल कर ही खाना चाहिए। अब कुकर में ये शकरकंदी रख देंगे जो हमने अभी धोई है। शकरकंदी की तासीर गर्म होती है तो सर्दियों में तो शकरकंदी ज़रूर खानी चाहिए। कुकर को अब साइड में रख देंगे और एक बड़े बोल में पानी लेंगे। अब लेंगे कॉटन का मोटा कपड़ा। मैंने इसको 4 बार फोल्ड किया है। इस कपड़े को पानी में अच्छे से डुबो देंगे ताकि ये पानी को अच्छे से सोख ले। और यदि आपके पास कॉटन का मोटा कपड़ा अभी घर में नहीं है तो पतला कपड़ा भी कॉटन का ले सकते हैं और उसको 5-6 बार फोल्ड कर सकते हैं। अब इस कपड़े को हल्के हाथ से निचोड़ लेंगे। कपड़े को ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं निचोड़ना है, इसमें हल्का सा पानी होना चाहिए। इस पानी को अब साइड में रख देंगे और अब कुकर को लेंगे। शकरकंदी के ऊपर ही कपड़ा लगा देंगे। कपड़े को कुकर में चारों तरफ से फैला देंगे ताकि सारी शकरकंदी अच्छे से कवर हो जाए। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। आप कुकर को गैस पर रख देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। 5-6 मिनट के बाद जब कुकर में भाप अच्छे से बन जाएगी तो आप सीटी को हल्का सा उठा कर देख सकते हैं। जब सीटी को उठाएंगे तो हल्की सी सुर की आवाज़ आएगी, तो आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे। 5-6 मिनट के लिए शकरकंदी को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही और पकाएंगे। इस तरीके से शकरकंदी को पकाएंगे तो कुकर में सीटी नहीं लगवानी है। 5-6 मिनट हो गए शकरकंदी को लो फ्लेम पर पकाते हुए। आप गैस को बंद कर देंगे और कुकर की भाप को निकालेंगे नहीं, अपने आप ही निकलने देंगे। थोड़ी देर के बाद ही कुकर की भाप निकल गई। आप कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और जो ये कॉटन का कपड़ा है इसको चिमटे से बाहर निकाल लेंगे। और अब शकरकंदी को चाकू से चेक करेंगे ये अच्छे से पकी है कि नहीं। हमारी शकरकंदी अच्छे से पक गई। यदि आपकी शकरकंदी हल्की सी कच्ची रह गई है तो कोई बात नहीं, दोबारा से कपड़ा ढककर 1-2 मिनट के लिए और पका सकते हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। शकरकंदी पकाने का ये सबसे आसान तरीका है। शकरकंदी को यदि पानी में उबालते हैं तो जिस बर्तन में शकरकंदी को उबालते हैं वो बर्तन भी बहुत गंदा हो जाता है, और उस बर्तन को जब साफ़ करते हैं तो वो जल्दी से साफ़ भी नहीं होता। लेकिन इस तरीके से शकरकंदी को पकाएंगे तो कुकर भी अंदर से ख़राब नहीं होता, इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। अब इन शकरकंदी को छील लेंगे। ये बहुत गर्म है लेकिन आराम से छिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये कुकर में शकरकंदी पकाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में।
मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।